다르다. ये गोल्डन क्लब गुजरात की टीम से गुजारिश है कि जब खिलाड़ी उनके मैच खेलेंगे वो अपनी वर्दियां पहनने जल्दी जल्दी। गोल्डन क्लब गुजरात फेमस टीम है और बड़ी मशहूर टीम है यहाँ की, और मैं समझता हूँ कि सब पहला सेमीफाइनल मैच गोल्डन क्लब लुंजगरा। अंपायर अगर आप हरकत करेंगे तो ये मैच जल्दी होगा, अगर आप नहीं जल्दी करेंगे तो ये मैच बड़ा मुश्किल है कि जल्दी होगा। दोनों टीमें से जल्दी जल्दी ये आखिरी आखिरी और क्या पता क्या नया बाल दे देना यार। ये जो फालतू हजरात हैं वो ग्राउंड से बाहर आ जाएं, चाहे वो मकामी हैं या बाहर के हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि जल्द अज जल्द बाहर आए, फिर हम दोनों टीमों को लाइन अप करेंगे और मेहमान खुशी के साथ उनका बकायदा तारीफ किया जाएगा। तो बराए मेहरबानी मैं तमाम फालतू लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो ग्राउंड के बाहर आ जाएं, और दोनों टीम अंपायर धोबी से मेरी गुजारिश है, अंपायर धोबी और मेरी आवाज़ सुन रहे हो, इन दोनों टीमों को आप कहें कि जल्द अज जल्द पहले लाइन अप हो जाए ताकि हम मेहमान खुशी से इनका तारीफ करा सके, बाकी फालतू हजरात ग्राउंड से बाहर आ जाए, दोनों टीमें लाइन अप हो जाए, दोनों गोल्डन क्लब लुंजगरा और फ्रेंड्स क्लब तमनी के खिलाड़ी लाइन अप हो जाए। काशिफ शकील अलमजद क्लब तोपा के बॉबी से गुजारिश है, अलमजद क्लब तोपा के बॉबी से गुजारिश है कि दोनों टीमों को लाइन अप करा दें। साजिद ये लोगों को थोड़ा पीछे करके फालतू आदमियों का बाहर निकालें आप, और दोनों टीमों को लाइन अप कराएं। उठे बंदा बीच में जाना लेने की अटाई लेने लगा साइकिल में आता है तो आता ही रिजवान दोनों टीमों को लेना पकड़ाए, दोनों टीमों को लेना पकड़ाए, बाल ले लें आप एक मिनट के लिए, बारह ऐलान किया जाता है, जब ऐलान करता है उसका मतलब ये मैं शुक्रिया अदा करूंगा फ्रेंड्स क्लब धमनी की टीम का कि उन्होंने मेरी बात का अमल करते हुए लाइन अप हो गई है, तो यही तो मैं गोल्डन क्लब लुंजगरा से करूंगा कि वो भी बगैर किसी ये प्रैक्टिस छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, आप लाइन अप हो जाएं ताकि मैं मेहमान को से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं सज्जाद अनवर साहब जो हमारे जमात इस्लामी जिला पुंछ के सदर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने हमरा साथ देते हुए
मेहमानी खसूसी को अपनी अमरा नीचे ग्राउंड में लेके जाएंगे ताकि दोनों के साथ उनका तरफ देगा। ये रास्ता थोड़ा सा आप खाली छोड़े, ये रास्ता थोड़ा सा आप खाली छोड़े, मेहमानी खसूसी आ रहे हैं नीचे। सज्जाद अनवर और तार अफजल मेहमान खसूसी जनाब सिद्धार सगीर अहमद चुगताई खान साहब के साथ नीचे ग्राउंड में जा रहे हैं। थोड़ी सी देर के लिए आपको तकलीफ होगी, रास्ता थोड़ा खाली कर दें, दोनों टीमों से बकायदा उनका तारफ होगा। और जैसे ही मेहमान खसूसी ग्राउंड के अंदर पहुंचते तमाम तबाशाही से गुजारिश है कि वो तालियां बजा के मेहमान खसूसी का इस्तकबाल करें। मेहमान खुसूसी का दोनों टीमों के साथ तारफ। अब वो शाइन क्लब कंपनी की टीम से उनका तारफ हुआ। दोनों टीमों के साथ उनका तारफ किया जा रहा है, इसके बाद दोनों टीमों के साथ उनका ग्रुप फोटो बनाया जाएगा और बाकायदा मेहमान खुसूसी सर्विस करके इस मैच का बाकायदा से आगाज करेंगे। हम दोनों टीमों का मेहमान खुसूसी साथ ग्रुप फोटो तमाशाइयों से भरा हुआ स्टेडियम जिसमें तिल डरने की जगह नहीं है और तमाशाई इतने ज्यादा हो गए हैं कि उनको संभालना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। सारे हजरात वीडियो की शेयर करा। और मेहमान खुसूसी दोनों टीमों के साथ तारफ करने के बाद वापस अपनी शिफ्ट पर आते हुए एक मरतबा फिर मैं शायद तीन से गुजारिश करूंगा कि मेहमान खुसूसी के थोड़ा सा रास्ता खाली करें। मेहमान खुसूसी दोनों टीमों के साथ हैं। मैं ये कुछ देर के लिए क्योंकि मैं इस बकायदा तौर पर जनाब सज्जाद अहमद साहब को बात दूंगा कि वो मेहमान से शुक्रिया अदा करेंगे और कुछ बात करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिब अल एहतराम मोहतरम सरदार सगीर खान साहब, मेंबर कानून साहब असेंबली आजाद जम्मू कश्मीर, उनके साथ आए हुए मेहमान ग्रामी नदीम साहब, मंजर साहब, ठीक था तैयब जमील इंशाल्लाह, अजमल साहब, शेयर करा शेयर, वॉलीबॉल के शाहकीन जो आज मुसलसल तीसरा दिन है यहाँ पे अपनी बेपनाह मुश्किलात के बावजूद सरदार महमूद खान मेमोरियल डेयर नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट में तशरीफ लाए हैं। मैं मोहतरम मेहमान खुसूसी सरदार सगीर खान साहब का दिल की गहराइयों से अवामे इलाका सून टोपा और मुजगरा की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे तशरीफ लाए। मोहतरम सगीर साहब जिस शख्सियत के नाम पे आज ये टूर्नामेंट हो रहा है
یہ شخصیت 1960 سے ٹرانسپورٹ کے شعبے سے وابستہ تھی اور اپنے شعبے میں شیئر کرا تھا، یہ سب شیئر کرا اور لوگ بھی دیکھیں، اعلیٰ اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج بھی اس وقت کے بزرگ، ان کا نام عزت اور احترام سے لیتے ہیں، انہی کے برخردار ارشاد محمود جو صحابت کی دنیا کا نمایاں نام ہے، انہی بزرگوں کے نام پہ آج کا یہ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں اور سامنے جو ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ تماشائی موجود ہے، اہل مجاہد کلب سون ٹوپا گزشتہ 40 سال سے والی بال کی دنیا کا نمایاں نام ہے، ہر سال یہاں ایک بڑا ٹورنامنٹ منعقد کیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے دائیں طرف جگہ ہے، اس جگہ پہ ہم اسٹیڈیم کی طرز پہ ایک تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ اس علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بھی کنٹریبیوشن لیں گے اور آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ اس بڑے پروجیکٹ میں اپنا کنٹریبیوشن رکھیں گے، تاکہ آئندہ جب ہم یہاں پہ ٹورنامنٹ کا انعقاد کریں تو میرے سامنے جو بہت سارے بزرگ اور جوان بہت مشکل سے کھڑے ہو کے والی بال دیکھتے ہیں، انہیں بیٹھنے کی اچھی جگہ مل سکے۔ میں ایک مرتبہ پھر مہمان خصوصی محترم صغیر خان صاحب، جنہوں نے فائنل کے میچ کا مہمان خصوصی ہونا تھا لیکن اپنی کسی مصروفیت کے باعث ہم نے انہیں سیمی فائنل میں مہمان خصوصی رکھا، اور اس کے بعد بھی ان کی مصروفیت ہے، اس لیے میں بغیر وقت ضائع کیے محترم مہمان خصوصی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور شرکا سے مخاطب ہوں، اور تمام شرکا سے میں گزارش کروں گا کہ 5-10 منٹ اپنی باتیں اگر آپ نہ کریں، خاموشی سے مہمان خصوصی کو سنیں تو اس میں سب کا فائدہ ہے۔ میں محترم سردار صغیر خان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور شرکا ٹورنامنٹ سے مخاطب ہوں۔ نحمد و صلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام محترم جناب سجاد انور صاحب، جناب سردار طاہر صاحب، میرے ساتھ آئے ہوئے سردار منظور صاحب، ندیم انجم صاحب، محترم اجمل برکت صاحب، جناب قارن سار صاحب، اور یہاں پنڈال میں جتنے بھی مختلف علاقوں سے آئے ہوئے کھلاڑی حضرات اور تمام شائقین، میرا آپ سب کا سلام۔ میں سب سے پہلے اہل مجاہد کلب ٹوپا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت ٹورنامنٹ کا یہاں انعقاد کیا، دور دور سے یہاں ٹیموں کو بلایا، اتنا بڑا کراؤڈ یہاں جمع ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کریڈٹ اہل مجاہد کلب ٹوپا کو جاتا ہے، ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ جس طرح یہ آرگنائز طریقے سے ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا، اس پر بھی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ساتھ میں تجھے اندازہ ہے کہ اس وقت آپ سب لوگ ظاہر کھیل دیکھنے آئے ہیں، ظاہر آپ کا چیزیں نہیں سننے آئے ہیں۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ میں یہاں اس حوالے سے بھی اہل مجاہد کلب ٹوپا کو مبارکباد
होता है उनका लोग इज्जत से एहतराम से नाम लेते हैं, वो साफ सुथरे तरीके से वो सियासत में भी रहे, तो आज कभी उन पर उनके कोई उन पर करप्शन का इल्जाम नहीं था। आज अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो लोग जो सियासत में हैं, आज आप मीडिया के उनको देखें, सोशल मीडिया के अंदर देखें कि उनकी आज क्या हालत हो रही है, वो अच्छे नाम के साथ यहाँ से रुख्सत नहीं हो रहे। लेकिन गाजी अमीला सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब जब सियासत में रहे, तहरीक के साथ वाबस्ता रहे, तो उन्होंने आपको और हम सब को ये आज़ादी दिलाई। सरदार महमूद इकबाल साहब के नाम पे टूर्नामेंट करने का मकसद मैं समझता हूँ कि नौजवानों के लिए एक दर्स है, नौजवानों के लिए एक सबक है कि सरदार महमूद इकबाल साहब को, सरदार महमूद खान साहब जो है वो किसी बड़े सरकारी ओहदे पे नहीं रहे, वो सियासत में नहीं रहे, वो एक पेशे से वाबस्ता रहे। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि लोग, क्योंकि वो अपने पेशे के साथ मुखलिस थे, इसी वजह से आज लोग उनके नाम को याद कर रहे हैं, उनके नाम से आज टूर्नामेंट का इनेकाद किया। मैं अलमजाद क्लब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने उनके नाम से टूर्नामेंट का इनेकाद किया, और उनके आज हमारे नौजवानों को पता लगा कि जो आदमी जिस पेशे के साथ वाबस्ता रहता है, अगर वो वहाँ उसके साथ मुखलिस रहे तो फिर उसका नाम जिंदा रहता है। मैं सरदार महमूद इकबाल साहब के हवाले से ज़्यादा मेरी उनके साथ जान पहचान नहीं है, लेकिन मैं उनके जो बेटे हैं सरदार अरशाद इरशाद महमूद साहब, मैं समझता हूँ कि आज वो मेरा और आप सबका मान है, वो आज मेरा और आप सबका फख्र है। उनका उसका क्रेडिट भी अगर आज सरदार इरशाद महमूद साहब जो है, अगर वो पाकिस्तान के अंदर सहाफत के अंदर उनका नाम है, आज वो कॉलम लिखते हैं, वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ उनकी कमिटमेंट है, मैं समझता हूँ कि उसमें सरदार महमूद साहब की जो तरबियत थी, जो उन्होंने उनका जो बेहतर तरबियत की उनकी, आज उसी वजह से आज मैं समझता हूँ कि वो हमारा फख्र है, हमारा मान है सरदार अरशाद महमूद साहब, उसका क्रेडिट भी हम उन्हीं को देते हैं। तो मैं तो तमाम खिलाड़ी हजरात को, चूँकि आपका टाइम हम ज़ाया नहीं करते, चूँकि अभी सेमीफाइनल होगा, उसके बाद फाइनल भी होना है, मौसम का भी कोई पता नहीं होता, तो इसलिए मैं तमाम जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसको मुबारकबाद देता हूँ इस हवाले से भी कि यहाँ बाहर से जो टीमें आती हैं उससे हमारे नौजवानों को एक दूसरे के साथ मिलने से, एक दूसरे की सलाहितों से इस्तेफादा करने का मौका मिलता है, और फिर आज हमारी जो नौजवान नस्ल है उसमें जो अदम बर्दाश्त है, जो खेल के जब हमारे मैदान आबाद होंगे तो हमारे नौजवानों में जो अदम बर्दाश्त है उनके अंदर एक पेशेंस आएगा, उनके अंदर बर्दाश्त का एक जज्बा पैदा होगा, उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा होता है, वो तभी होता है कि जब हमारे खेल के मैदान आबाद होते हैं। मैं आखिर में यहाँ इन्होंने कुछ मुतालबात का भी जिक्र किया, मैं इंशाल्लाह जो ग्राउंड है आपका, मुझे एहसास है जहाँ मैं देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ शायकीन बैठे हुए हैं, क्योंकि खेल की खिलाड़ियों की जो हौसला अफजाई होती है वो आप लोगों की वजह से होती है, शायकीन की वजह से होती है, अगर जहाँ शायकीन ना हो तो फिर ये खेल का मज़ा, टूर्नामेंट का मज़ा नहीं आता। लेकिन यहाँ आपको प्रॉपर बैठने की जगह नहीं है, मैं इंशाल्लाह इसके लिए मजीद, मैं कहीं से पहले भी मैंने, मुझे बता रहे थे कि ये जो सामने सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ये आपने जब आप कश्मीर काउंसिल के मेंबर थे तो आपने कुछ फंड हमें दिए थे, तो मैं इंशाल्लाह अभी जो हमारा बजट आएगा उसमें से 2 लाख रुपया मैं इंशाल्लाह फौरी तौर पर आपको मुहैया करूँगा, और फिर और भी इंशाल्लाह हम कई कोशिश करेंगे कि आइंदा आपके लिए इसी तरह का उस तरफ अगर आपको बैठने की बेहतर जगह मुहैया हो सके, ताकि आप लोग आराम से सुकून के साथ मैं जो है टूर्नामेंट को एंजॉय कर सकें। मैं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, जिन्होंने ये टूर्नामेंट का इनेकाद किया, इतना खूबसूरत टूर्नामेंट का यहाँ इनेकाद करने पर मुबारकबाद भी देता हूँ, और उनकी हौसला अफजाई के लिए अपनी तरफ से 30,000 रुपया टूर्नामेंट कमेटी के लिए भी ऐलान करता हूँ। बाकी मेरी दुआ है कि जो टीमें जो यहाँ जिन्होंने मेहनत की सेमीफाइनल में आई हैं, आगे फाइनल में जाएंगी, मैं उनको नेक बादशाह के साथ आपसे जा चाहता हूँ। हमारे लेंगे जलाल मोदी, शुक्रिया। ये थे हमारे हल्के 4 के MLA सरदार सगीर अहमद चुगताई साहब। हम मैं टूर्नामेंट कमेटी की तरफ से और एलियान तोफा की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल के वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हमारी टूर्नामेंट कमेटी को उन्होंने हौसला अफजाई की और इस तो इस महफिल को यहाँ के रौनक को दोबारा किया। तो अब मैं दोनों टीमों से गुजारिश करूँगा अंपायर से कि जल्द अज जल्द ये मैच शुरू कराएं, ताकि हमारे पास जो वक्त है, क्योंकि अगला सेमीफाइनल मैच है और उसके बाद फाइनल मैच भी है, तो बराए मेहरबानी जो जिन लोगों को जिन ये अंपायर साहब, अगर मैच जल्दी शुरू होगा तो थोड़ा सा ये मेहमान से भी देख के जाना चाहते हैं। बाकी
अपने को निलाना लग गया उससे अंपायर बॉबी से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैच स्टार्ट कराएं। अंपायर बॉबी से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैच स्टार्ट कराया जाए। बाकी बड़ी माजर के साथ मैं शाकिर से गुजारिश करूंगा कि वो जगह खाली करें जहां से कम है जो खिलाड़ी सर्विस करेगा उसके लिए जगह खाली करें। फिर बाद खिलाड़ी बड़ी डाइव लगा के बाल उठाते हैं, आप तो बिल्कुल ग्राउंड के अंदर चले गए। ये तो बाउंड्री लाइन जो होती है ये तकरीबन क्रिकेट की बाउंड्री बना दी है आपने, उस पर मसला नहीं होता, लेकिन यहाँ पे खिलाड़ी बाद तक आके बाल को उठाता है तो कोई तमाशाई के ऊपर कोई खिलाड़ी गिर भी सकता है और सर्विस करने के लिए पीछे आएगा। कम से कम दोनों कोने खाली करते हैं आप। अंपायर दोनों कैप्टन को बुलाया, बाकी ये लोग बाहर निकले यार ग्राउंड से। ये बाकी मैं बिल्कुल फ्री बैठा ना समझ यार, मैं मैच अटका दिया था, मैं वो लोकेर ये तमाशाई जो पहली लाइन में बैठे हुए ये उठ जाए फर्स्ट, दोनों लाइन के ऊपर जो तमाशाई बिल्कुल ग्राउंड के अंदर आ गए हैं। ताइयों पे 2 लाख रुपया सा वॉलीबॉल को तो ये खिलाड़ी सर्विस कहाँ से करेगा, कम से कम ये लाइन तो खाली करें ताकि वो सर्विस कर सके, सर्विस के लिए जगह छोड़े उनके पीछे पीछे हट जाए। ऐसा करें कि आप लोग बैठे रहें, मैच फिर नहीं होगा, पीछे बैठे रहें, फिर रात हमें तो कोई इतराज नहीं है। जब मैं बार बार कह रहा हूं कि आगे वाली लाइन खाली करें ताकि मैच शुरू कर सके, तो आप ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि जगह नहीं है, खाली करें खिलाड़ियों ने इतनी बड़ी मखलूक दी थे जिस पर से नजर जेट क्लब के पोबी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं मैच स्टार्ट कराएं, आप मैच स्टार्ट कराएं। अलमजैद क्लब के पोबी आप मैच स्टार्ट करा दें। अलमजैद क्लब के बॉबी इसे गलत नाम शक्ल आप चुनिया चीज हमें सर्विस करो कैसे पहला सेमीफाइनल गोल्डन क्लब लुजग्रा वर्सेस फ्रेंच क्लब तमनी के दरमियान खेला जाने लगा है। सबसे गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं और बॉबी से गुजारिश है कि मैच स्टार्ट कर दें। ये
अब स्टार्ट क्यों नहीं करें जो ये लोग बुझने नहीं खिलाड़िया खिलाड़िया खेलने लगती है तो क्यों स्टार्ट कराए। ये बाल पीछे चला गया भराय मेहरबानी देखे पीछे को बाल ले आए एक उम बुझे वाली थी वाली जिसकी बंदा आ गया बात चलने दिया जब इतना बड़ा क्राउड होता है वाकई उसको संभालना मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूँ कि दो ही चीज़ें होती हैं, या बहुत अच्छे किस्म के इंतजामिया और डंडों वाली उससे पीछे हटते हैं तमाशाई। तो यहाँ कहने तो बार बार कहा जाता है कि आप हट जाएं, बैठे हैं, हालांकि लोग सब मैच देखने के लिए आए हैं। मैच शुरू होगा तो आप देखेंगे, तो शुरू होने में यही प्रॉब्लम है कि जगह वाकई कम है। हम नहीं कहते कि आप लोग शौक से बैठे हैं, जगह कम है, आपकी भी मजबूरी है, लेकिन इतने आप छोड़ दें जगह कि मैच शुरू हो जाता है। और इस वक्त रिकॉर्ड तमाशा ग्राउंड में मौजूद हैं। कल का जो रिकॉर्ड था, आखिरी रिकॉर्ड था, वो गोल्डन क्लब लुंजग्रां और कोटली की टीमों के दरमियान वो रिकॉर्ड था। तकरीबन उसमें 55 से 60 हज़ार के लगभग तमाशाई थे, और इस वक्त ये तमाशाई क्रॉस हो चुके हैं, 70 से 80 हज़ार के लगभग तमाशाई ग्राउंड में आ गए हैं। जबकि हमारे इस ग्राउंड में हमारे पास सिर्फ गुंजाइश जो थी वो 50,000 की जगह की गुंजाइश थी, तमाशे इतने ज्यादा आ गए हैं, 30,000 तमाशे ज्यादा हो गया है, बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। तो जिस तरह जिसको जान जगह मिलती है बैठ जाओ, लेकिन एक बात याद रखो, अपने सामान की खुद हिफाजत करो, जेब कुत्रों से होशियार हो। तो बहुत मुश्किल होता है जब तमाशे के असल में ये हमें पता करना पड़ेगा। देखा पाला गया योदा हाले की है नहीं लखे ही थे एक बार साथ थोड़े हाले ने जड़ा ना हाथ होला रखी है। जबकि इतनी तादाद में कम टिकट थे, ये बहुत ब्लैक टिकट फरोख्त हुआ है इस मैच का, इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल मैचों का। मैं देख रहा हूँ कि दफ्तों के ऊपर लोग चले गए हैं, ये तो मुश्किल है, देखने के लिए तो नहीं लिया ना भाई, हमारा लकीर जड़ी दिनों खाली थी बस, और वो नक्का पूरा भरे ना उठे होने दादा की दिसना नहीं। जो कोई दफ्त में चढ़ा हुआ है अपनी हिफाजत किसने खुद करनी है। यहाँ पे आपके पास बिजली की तार भी है, और फिर अगर साड़ियाँ पहाड़ियाँ चंडल कीड़े भी हो सकते हैं, सब ऊपर नहीं होना, सावन ही हम शुरू हुई चंडल कीड़े खतरा। दोनों टीमें अपने मखसूस दायरा बनाते हुए अपनी अपनी दुआ के साथ, और फिर ये तमाशे पता नहीं किधर से आए। सब आज रात वीडियो शेयर करा एक दफा, ये बड़ी खास बात है। एक बात मेरे जहन में आई है, ये जो आगे वाली लाइन है जिसके ऊपर लोग कुर्सी में बैठे हैं, कुर्सी वाले पीछे हो जाएं इंशाल्लाह मौसम साफ था जी, तारे बैठ सकते हैं, ये एक पॉइंट की बात है। आगे का रास्ता खोल लिया था तो अलबत्त जिन लोगों के दराज कद हैं उनको फायदा जरूर है, लेकिन जिनके कद बहुत छोटे हैं उन्हें अगर चाड़ा
शार सीढ़ा ने बात देने हैं ऐसे शार देखिए ही शार ये अगर कुर्सी वाले अपने अपनी कुर्सी के साथ पीछे चले जाए तो पीछे वाले आदमी आके नीचे बैठ सकते हैं क्योंकि नीचे प्लस्तर हुआ हुआ है तो काफी कवर हो जाएगी ये चीज। अगर कुर्सी वाले बंदे पीछे हो जाएं तो आगे वाले बंदे भी देख सकते हैं। अभी जो कुर्सी बैठा कुर्सी किसको छोड़ने का दिल करता है, नवाज शरीफ अभी तक नहीं छोड़ रहा और अभी भी पाकिस्तान में कुर्सी की डोरी लग गई है, क्या पता 25 तारीख को किसकी किस्मत खुलती है। क्योंकि कमेंट्री ने टाइम नहीं है, हम सिर्फ आप लोगों को स्कोर बताएंगे। लाइव मैच जिन्होंने देखना है वो टुप्पा, जिन लोगों ने लाइव मैच टीवी पर देखना अपनी स्क्रीन मोबाइलों पे देखना है तो अल मजाहिद की फेसबुक जो बनी हुई है उसको ट्वीट करें, वहाँ पे आपको मैच लाइव हमारे साथी यहाँ से टेलीकास्ट कर रहे हैं तो वो आपको देखने में आसानी होगी। मेरे दाएं दाएं तरफ मौजूद है मैच अभी शुरू नहीं हुआ, आखिरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हनुमान साहब को सीधा करो ग्राउंड है पिछला ना दे जब आप इतने ज्यादा ग्राउंड नहीं आएंगे तो कुछ मुश्किल जरूर होगी। खिलाड़ियों से भी माफ़ी चाहते हैं, मैच बकायदा शुरू हो चुका है। हमें आप देख सकते हैं कि स्कोर भी अंपायर के पास ही है, सर्विस नेट में लग गई शाइन क्लब जो सिटी एंड पे टीम है वो गोल्डन क्लब लुंज रहा है। शायद साहब इंशाल्लाह नहीं बंद होनी मैच ने एंड तक जलसी दोनों टीमें मतवाजी टीमें हैं और इनके दोनों टीमों के पास अच्छे स्मैशर हैं तो उम्मीद तो हम यही करते हैं कि जबरदस्त मैच होगा दोनों टीमों के दरमियान। चिट्टू ने कोपरेज दोनों टीमों का स्कोर 1-1 था। वन ऑल स्कोर है, वन ईच। हाँ
ठीक हुआ ठीक हुआ भैया जी दो त्रा और वन ऑल सर्विस चेंज टू वन थ्री वन फोर वन फ्रेंड क्लब सोल लुंद्रा वन टाइम आउट लिया गोल्डन क्लब लुंद्रा ने साफ बाजी दानिश सर्विस 1-5 जी सही चल रही तोजा फरमाए हर किसी को अपनी हिफाजत खुद करनी होगी खसूसी तौर पर कोई गिर जाए उसकी टांग बाजू टूट सकता है मुख्त जगहों पे लोग खड़े हुए हैं दरख्तों पे चढ़े हुए हैं और फिर दूसरा मैं नहीं कहता लेकिन इतने बड़े क्राउड में जेब कुतरा कोई हो सकता है तो जेब कुतरों से होशियार रहे टूर्नामेंट की सबसे अच्छी गल ये थी कि जेब पुट्ठी करी नहीं चाहिए भाई कि वह ना बस ठीक था जिले वास खान याकूब खान है पता नहीं क्या हो गया बिल्कुल चुप हो गए तो नारा शारा मार लिया ना खाता खाने खाने कुछ मैंने नहीं खाना फिर आप नारा शारा मारे कोई गोले चले टीमों को कोई हौसला अफजाई कर खान याकूब खान है इसके अलावा दाल वाला भी है और नीचे होटल है वहां पर आपके लिए चाय पानी चावल का बंदोबस्त किया हुआ है ये थे मैदान की तरफ फ्रेंड्स क्लब धमनी का स्कोर 6 और गोल्डन क्लब लुंद्रा का स्कोर 2 है दोनों टीमें मतबाजी टीमें हैं लेकिन इस वक्त तक जो खेल है उसमें हावी नजर आती हुई फ्रेंड्स क्लब धमनी की टीम
गोल्डन क्लब लुंजगड़ा की टीम ने ये मैच में कुछ मुकाम बनाना है तो फिर उन्हें अपने आप को जल्द एडजस्ट करना होगा, वरना ये अब टाइम वो आ गया है कि जहाँ पे आप आउट हो जाएंगे, जैसे ही हारेंगे आप टूर्नामेंट में से बाहर हो जाएंगे। पॉइंट सर गोल्डन क्लब, हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द टूर्नामेंट इख्ताम हो, क्योंकि आगे फुटबॉल के सेमीफाइनल भी आने वाले हैं। 3 दिन हो गए हमने कोई खबर शबर बिल्कुल नहीं सुनी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि सुबह यहाँ से फजर के टाइम जाते हैं, जाके सोते हैं, थोड़ी देर ड्यूटी पे भी जाना होता है, फिर वापस आते हैं, तो यहाँ होते हैं ना, खबरें सुनी ना कहीं मैच कोई देखा, कुछ भी नहीं पता आजकल क्या हो रहा है। खासकर एक जगह क्रैबन लीग चल रही थी, उसका पता नहीं क्या हुआ, इंडिया का और इंग्लैंड का T20 1-1 से बराबर था, तीसरे मैच का पता नहीं क्या हुआ, तो कुछ पता नहीं हमें आज तक। कल थी मैरान बड़ी खूबसूरत खेल का मुजाहरा कर रहे हैं और अली बड़े बिल्कुल चुप चुप रह रहे हैं, पता नहीं अली को क्या हो गया, नजर लग गई फायदा नहीं। फयाज की नजर लगी अली को, तो अभी कहीं फूक शूक मारानी पड़ेगी। जावेद ने मुझे बताया कि पता नहीं कौन सा किसी के कारी का नाम बताया, उसके पास लेके जाएंगे, फूक लगाएगा इंशाल्लाह। ये याद रहे कि ये टूर्नामेंट सरदार महमूद खान के नाम से मंसूब, और आज इस टूर्नामेंट का आखिरी और फाइनल दिन, और अब मैं समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट के फाइनल के हमारे मेहमान जनाब सरदार सगीर खान चुगताई साहब थे, लेकिन वो क्योंकि काफ़ी लेट था फाइनल, तो उन्होंने हमें पहले यहाँ पर तशरीफ लाए, हम उनके इंतहा मशहूर हैं, फिर अभी वो हमारे साथ बैठे हुए इस मैच से लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं, और दोनों टीमों का खेल देख के काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये टूर्नामेंट जो है, इस टूर्नामेंट में जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये टूर्नामेंट है महमूद साहब के सबसे छोटे साहबजादे सिद्धार्थ सागी महमूद ने ये सारा कुछ किया है यहाँ पर आके। पिछले साल वो नहीं आए थे तो टूर्नामेंट भी नहीं हुआ यहाँ पर, वरना दराज का लोगों का फायदा है, नौखेज है पीछे खड़े हुए जफर इकबाल और जुल्फकार, बड़े सुकून के साथ देखते हैं, छोटे कद के लोग मारे गए, पंजे पर बैठ बैठ कितनी देर खड़े होंगे, पंजे पर झुकते हैं तो कुछ नजर नहीं आता, पंजे पर खड़े होते हैं तो फिर भी नजर नहीं आता, ये होता है दराज कद का फायदा और छोटे कद का नुकसान। खान का कद भी छोटा, क्या करे, कुछ नजर नहीं आ रहा। एमन साहब भी काफी लंबे हैं, वो भी मुतमईन है, मैच देख रहे हैं, काफी पीछे गले खड़े हुए हैं, तो जिनके कद ज्यादा छोटे हैं या तो वो चल रहे हैं, कभी उधर जाते हैं, या शायद यहाँ से मौका मिले, शायद यहाँ से मौका मिले, लेकिन मौका कहीं से नहीं मिलता, लोगों की जहाँ देखते हैं लोगों की ज्यादा कांधा नजर आता है, कांधे से आगे कुछ नजर नहीं आता। दख्तों वाले भी एक थक गया, मेरे ख्याल में उतर गया, 3 एमपी बैठे हुए। ये जो शाकिर दूर हैं, स्कोर हमने कोशिश की है कि सबको नजर आ सके, 11-4 हो गया स्कोर। फ्रेंड्स क्लब की टीम पहले शर्ट के अंदर आ भी नजर आती हुई, मैं याद रहा कि अब सेमीफाइनल है, 5 सेट हैं, आप अंदर लाएंगे 5 सेट कब खत्म होंगे, अगर किसी टीम ने मसलसल 3 ले लिए तो फिर तो मैच जल्दी खत्म होगा, अगर 3-4, 1-2 हुए, 1-3 या 2-3 हुए तो फिर मैच बड़ा लंबा होगा। कुछ लोग और दरख्तों पर चढ़ रहे हैं, किकर के दरख्त हैं, इनका कांटा भी बड़ा तेज होता है, अपने आप को बचाना और अपने जिस्म को बचाना।
दोनों तरफ से अच्छी स्मैशें देखने को मिली हैं, लेकिन कुछ मैं समझता हूँ कि गोल्डन क्लब लुजग्रा की टीम वो खेल जिसके लिए वो मशहूर है अभी तक नहीं पेश कर सकी है। ये बाल जो थी ये डिफेंस खिलाड़ी को उठानी चाहिए थी, ना उठा सके, मतलब फिर सर्विस चेंज हो गई है। बहुत दूर दराज से तमाशा आए हुए हैं, मैं समझता हूँ कि यूनियन काउंसिल ताई, यूनियन काउंसिल बंदुई, यूनियन काउंसिल थोराग, पंजसा, पुरना मेहरा, रावलाकोट, मुतियाल मेहरा, क्रिक बाग, प्लंदरी, दूर दूर से बेशक कई इस जगह से ज़्यादा लोग आए, कहीं से दो दो चार चार लोग भी आए हैं, लेकिन हर जगह से यहाँ पे त्राड़खल से लोग आए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन तमाम लोगों का बड़ी दाद देनी पड़ती है कि इस तादाद के अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिर यहाँ से पता नहीं मैच रात कितने बजे ख़त्म होंगे। ये मेहरान थे, इस मैच लगाई अपनी टीम के लिए पॉइंट गाल हासिल किया क्योंकि सर्विस हासिल किए गए, क्योंकि हमारे आगे सामने स्कोर अंपायर का हाथ आया हुआ है, स्कोर बोर्ड में थोड़ा सा नज़र नहीं आया, अब थोड़ा सा स्कोर ने हमारी तरफ घुमाया है, 11 तो नज़र आ रहा है लेकिन दूसरा नज़र नहीं आ रहा है, चार है गोल्डन क्लब लुजग्रा का। वजह फरमाएं पंजोसा के सुल्तान इश्तियाक, नंबर टेलीफोन उन्होंने बंद कर दिया या यहाँ पे लग नहीं रहा उनका, वो अपनी गाड़ी के पास आए, उनके साथी कह रहे हैं कि आओ घर चलें, बसा बेचारे आने घर चलें, जगह नहीं लबनी, खली खली पंजे बार खली खली उठी है गए, तुझ पता नहीं है सुल्तान साहब पता नहीं सही जगह भेजे ने उठने या नहीं उतने ही उठने। सुल्तान इश्तियाक उनके साथी मजबूर हो गए हैं कि कितनी देर पंजे के खड़ा होकर मैच देखे नजर ही नहीं आता, फिर भी कुछ तो भी नहीं डर जी। गाड़ी के पास आ जाएं तो कहते हैं हम वापस जाना चाहते हैं। सुल्तान इश्तियाक बॉल नीचे गया है, प्लीज बॉल ऊपर फेंक दें। दूसरा बॉल जिसके पास है वो भी दे दें। नहीं आया वो आया दे। जी जलील सर। सर्विस चेंज 5-12।
की खूबसूरत स्मैश और पॉइंट हासिल किया 7-12। दानिश छोटे बॉलर का जी, दानिश पहला सेमीफाइनल फ्रेंड क्लब तमली और गोल्डन क्लब लुजग्रा, ये दोनों टीमें तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत बड़े प्लेयर इसमें खेलते हैं। शायकीन तमाशाइयों से अंदाजा हो सकता है आपको कि क्राउड की अभी क्या पोजीशन है, और दोनों टीमें के बाद नेक्स्ट जो सेमीफाइनल खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल परवेज शहीद क्लब किला वर्सेस अलमजाहिद क्लब टप्पा के दरमियान खेला जाएगा। वॉलीबॉल के हवा भरने वाला पंप जो है कमेटी के जिस मेंबर के पास चाबी है, जिसको पता है कहाँ है, वो कमेंट्री बॉक्स में जल्द से जल्द आए। 13-7 ये वॉलीबॉल में हवा भरनी है और पहला सेट मुकम्मल हो गया है जो कि शाइन क्लब जाहुर भाई जीतू ही काटा मार रहा है। मैं गुजारिश करूंगा हवा भरनी है क्योंकि बाल में हवा कम होगी एक बाल में, तो बड़ा मेहरबानी पंप की जिसको पता हो। हमारे कोच से दोस्त आबाद जो कि ओवरसीज में ये मैच लाइव देख रहे हैं, और जो हमारे क्राउड में बैठे लोग लाइव मैच देखना चाहते हैं वो अलमजाहिद क्लब टप्पा को फेसबुक पे सर्च करके लाइव मैच देख सकते हैं। आल आजाद कश्मीर सरदार महमूद खान मेमोरियल डे एंड नाइट टूर्नामेंट जो कि पहला सेमीफाइनल फ्रेंड क्लब तमनी जो अपने पहला सेट जीत चुकी है और दूसरे सेट का पंप, यार पंप पहुंचा दो यार प्लीज, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं हवा भरने वाला पंप नहीं मिल रहा, दो बाल में हवा कम हो चुकी है और पंप की अभी तक कोई नहीं आके दिया किसी ने। वन उम्मीद है टूर्नामेंट अलमजाहिद क्लब टू सून टोपा ने जरे तमाम सून टोपा ने मुकाम पर जाफर भाई क्या बने हाथ खड़े होइया आले, क्या खेड़िया तुसे इत्थे लोग 27-28 साल तू खेड़ने दे शायकीन को बता दूं कि सेमीफाइनल सेट जो है वो 5 सेट खेले जाएंगे, जो टीम 3 सेट जीतेगी वो फाइनल में क्वालिफाई करेगी।
स्कोर नाउ ऑन है 5 छोटी टीम नहीं है तो जो फरमाए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन शायकीन को क्योंकि जब मेहमान खुसूसी आए तो मुझे कुछ देर खड़ा होना पड़ा या नीचे बैठना पड़ा मेरी टांगे जवाब दे गई है एक साथ देखते हुए आप लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ जो मुसलसल खड़े होते हैं या उठ उठ में बैठ के बैठ देखते हैं आपको आपकी अजमत को सलाम हो भाई आपको पता है गवर्नमेंट की बिल्डिंग और गवर्नमेंट बिल्डिंग में कितना कुछ लगता है अगर कोई गिर गया किसी टांग टूट गई या नीचे वाले का सिर फट गया आप जिम्मेदार खुद हैं हमारा तो इदारे का नुकसान तो हम समझते हैं आपका पहले आपको कहा भी गया था कि ये नुकसान हो जाएगा कोई चीज टूटेगी लेकिन आपका जो नुकसान ये तो हम दोबारा किसी तरह बन ही जाएगी किसी फंड से चंदा करके कुछ ना कुछ बन जाएगा आपकी टांग या किसी का सिर फट गया वो वापस नहीं मिलता इसके बाद अलजा कब टुब्बा वर्सेस साईं मैंने पहले कहा है कि ये मैच लाइव दिखाया जा रहा है आप अलमिजान के तोपा की फेसबुक पे जाएं और उनकी फेसबुक पे अलमजाज क्लब सिर्फ आपको करना पड़ेगा अलमजाज क्लब सुन तो आप करें फेसबुक पे आपको मैच नजर आएगा लाइव मैच शफकत ने यहाँ से अभी से शफकत टेलीकास्ट कर रहे हैं उनके साथ
मजीद मेरे साथी पांच छह हमारे लड़के यहाँ पे इस मैच को प्राय रास्ते टेलीकास्ट कर रहे हैं। अजी क्या कर रहा हूँ सब बंदे में कुल नहीं उनको लगेगी। मैंने पहले कहा हुआ है कि आप अपनी हिफाजत खुद करें, ये किकर पे चल रहा है इसको भी ख्याल करना होगा। पॉइंट सर लेव फोर सर उस टीम में जंडाली के शायद साहब साई उमर बालम जंडाली के शायद साहब उस बोटी का ना भी अच्छा है उस अपने तरीके इंटरव्यू का। ये स्कोर जो है इस वक्त तक बड़ी जबरदस्त स्कोर ने गले में स्कोर बुक डाला हुआ है 5-1 क्या ये गोल्डन क्लब कल वाली है? ये सवाल है जो बार बार मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि कल ये टीम बाहर निकल उसकी जरूरत थी आज क्या हुआ क्या अभी तक अपने आप को एडजस्ट करने में नाकाम रह रही है गोल्डन क्लब लुजग्राम की टीम में लगे नौजवान खिलाड़ी पर मुश्तमल टीम है जो ये बड़ा दिलचस्प जबरदस्त सनसनीखेज मैच है। शाइकीन है मैं किसी शाइकीन को कसूरवार नहीं ठहराता जिसको जान जगह मिल रही है कोशिश कर रहा है लेकिन अपनी जान के हिफाजत खुद करना होगी। कीकर है इसके कांटे भी बड़े तेज होते हैं फिर अगर कहीं थोड़ा सा झटका नींद का आ जाए रात बढ़ रही है बिजली की तारें भी यहाँ से गुजर रही है और एक वो सफेद कपड़ों वाला जो कीकर है उसका कीकर झूल रहा है अब तो चाहे ऐसा ना हो कि वो टूट जाए कुछ तो नीचे आके लगेंगे। जगह तो अच्छी ढूंढी है क्या खास होता अगर ये आम का दरख्त होता। चंद तमाशाई चंद तमाशाइयों का ये सवाल है कि क्या ये मैच गोल्डन क्लब लुजग्रां की टीम कल वाली है या बदली हुई है? नहीं ये कल वाली टीम ही है पर कुछ आज बॉडी लैंग्वेज इनकी कोई मुझे उस तरह की मजबूत नजर नहीं आ रही। Oh!
3-5. Four, five. Five each. Score, five all. Service change, 5 all. Seven. Dusra set. Tawajjuh farmaye. Hello. Tawajjuh farmaye. ये टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल है, आप बहुत दूर से आए हैं, सर्दी भी इतनी नहीं है कि बंदा बगलों में हाथ डाले हो, तालियां बजाएं यार दोनों तरफ से, जो अच्छी तमाशा दिखा था तालियां बजाएं ताकि टूर्नामेंट का ये सेमीफाइनल की रौनक ज्यादा बेहतर हो।
जब आप तालियां बजाएंगे तो दोनों तरफ से खिलाड़ी जोश में आएंगे और फिर भी ज्यादा और जोर से खेलेंगे और आपको और अच्छा और चारना खेल देखने को मिलेगा। पहला सेट जरूर जीता हुआ फ्रेंड्स का दमदी की टीम ने, दूसरा सेट जारी है। और एक बात खास ख्याल रखें, मैं समझता हूँ कि लुंजग्रां की टीम तो ये मकामी टीम ही है, इतनी ज्यादा दूर नहीं है, करीब के और कम अज कम लुंजग्रां वाले तुष्ट अपनी टीम की ताड़िया मारा जो कामिया दूर कोई इतने बंदे नहीं ते ताड़िया तो मारी सकना कि ताड़िया ने पैसे लग जाए। हल्की स्मैश पर प्याना मारा लेकिन जो जोर ही लग रही बल कड़कदार होनी उसके मारा या कोई डिफेंस चंगी बाल ठुआना उसके ताड़िया मारा। और बिल आकर फयाज के पांजे ने स्मैश लगाया। हम माजरत खवाएं जिन लोगों को तस्वीर नजर नहीं आ रही है तो वो आवाज से गुजारा करें। मेरे दाएं हाथ पर रिटायर्ड आर्मी के हवलदार मुबारक खान मौजूद हैं, उर्फ नंबरदार मुबारक खान सीफ के अपने जमाने के नहीं अब भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और इनके साथ खेलने वाले मिस्त्री कमर में चले गए हैं और इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है कि जब आप इनको चेक करेंगे इनकी लेफ्ट या राइट जेब में आपको ताश की डब्बी मिलेगी। दो रखते हैं आज भी चार बंदों के टब्बे के ऊपर एक कमरे में उनको लगा के आएंगे आप जारी रखती है। जो तमाशाई देर से अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनके लिए ये खबर है कि टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच फ्रेंड्स क्लब दमनी और गोल्डन क्लब लुंजग्रां के दरमियान खेला जाए, जिसके पहला सेट फ्रेंड्स क्लब दमनी की टीम ने जीता हुआ है, दूसरे का खेल जारी है। इसके बाद जो सेमीफाइनल खिलाया जाएगा वाल विजय क्लब टप्पा और परवेश शहीद क्लब किला की टीम के दरमियान होगा। अगर मौलाना अब्रेज चल जाए तो फिर मैच बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। मौलाना अब्रेज आज मैं देख रहा हूँ कोई थोड़ा खामोश नजर आ रहा है। ये असवन थे, अच्छी उन्होंने कोशिश की लेकिन क्राउड इतना ज्यादा होता है कि खिलाड़ी वहां तक नहीं पहुंच सकता किस तरह उस बाल को उठाए। इरफान साहब अगला बैच इंशाल्लाह चेल्सी उसी का। स्कोर 9 ईच। स्कोर बकेट 10-9। अब लीड ली है फिर एक मरतबा फ्रेंड्स क्लब दमनी की टीम ने जिसे एक सेट की भी लीड हासिल है। Yeah.
ये लास्ट में जो लड़का भी अभी ऊपर गया, ये तार का खास ख्याल रखना कि कई तार आपको टूट जाए, तार के ऊपर लाइट तेज करा, बस तार का ख्याल रखना कि आपकी गर्दन फंस नहीं जाए जब आप उतरेंगे, तो इसका खास ख्याल रखना। अलेवन नाइन टाइम आउट लिया है गोल्डन क्लब लुंजिरा की टीम ने। याद रहे कि सेमीफाइनल मैच के सेट पांच पांच खिलाए जाएंगे, जिसका दूसरा सेट जारी है और दूसरे सेट में भी लीड आ सकती है फ्रेंड क्लब धमनी की टीम में। शायद किसी खिलाड़ी को तब्दील किया जा रहा है। 11-9 खिलाड़ी से खेल किया जा रहा है। 9 नंबर खिलाड़ी बाहर आया और 11 नंबर खिलाड़ी अंदर जा रहा है। गोल्डन क्लब में तब्दीली, जायद उनके तजर्बा कार पुराने बूस्टर अवलदार मुबारक खान साहब को कॉल आ गई है कि आप टोपे पर आए, टीम तरफ खिसारे में चली गई है। अब्दुल कुद्दूस तार पिसनी आलमन खिसारे में है, तो मुबारक जाके वो खिसारा भरपूर तरीके से वापस उतारेंगे, क्योंकि वहां पे शायद स्कोर 2-3 या 2-4 से सारे में जा रही है इसकी टीम। अभी टेलीफोन करके पहले पता करेगा। हनी खलील साहब जाफर भाई नहीं आए। अनिक साहब नहीं आई टीम भी, कह जैदी आया ना साथ आया, वो भी बाहर हो गया। पुराने खिलाड़ी फराज अंजाम थे, आज मैं देख रहा हूँ कि इफ्तिखार मुझे वाली सरकार नहीं आई है। नौखेज हैं, अपने साथ रखा हुआ है तार साहब को। तार साहब अभी की से किस तरह मैच देखे, नौखेज का कद तो लंबा है, नौखेज तो देख लेगा। पहला सेट धमनी ने जीता है, पहला सेट धमनी जीता है।
दूसरे सेट च 11-12। दोनों टीमों का स्कोर बराबर है और एक मिनट का टाइम आउट लिया फ्रेंड के आपकी टीम ने 13-12। मैंने आपको कहा था कि गो की एक टीम ने हारना है और एक ने जीतना है, लेकिन गो मतलब लुज गया की टीम को आप कमजोर मत के, बड़ी जबरदस्त टीम है। क्योंकि आपको पता है कि जब सेमीफाइनल में टीमें पहुंचती हैं तो उन टीमों में 19-20 का फर्क होता है, कोई भी टीम जीत सकती है। दोनों टीमें बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी पर मुश्तमिल हैं। सर्विस चेंज कराने में कामयाब हुई है फ्रेंड्स क्लब की टीम। और दोनों टीमों का स्कोर बराबर 13-13। तो हम ज्यादा खिड़किया जड़े से रुका हो सकते लिया गोल्डन क्लब लुंजग्रा की टीम ने। दूसरे सेट में लास्ट बॉल, दूसरा सेट जारी 13, लास्ट बॉल फ्रेंड्स क्लब धमनी 13, गोल्डन क्लब लुंजग्रा गेम बॉल 13। पहला सेट फ्रेंड्स क्लब की टीम ने जीता हुआ है। और इसके साथ ही दूसरा सेट भी फ्रेंड क्लब धमनी की टीम जीतने में कामयाब हो गई है। अब थोड़ा मुश्किल है गोल्डन क्लब की टीम के लिए, धमनी की टीम के दृष्टि धमनी की टीम के लिए स्कोर में आ गई है। दो सेट गोल्डन क्लब लुंजग्रा की टीम हार चुकी है। कोई गल नहीं जरील साहब, हाले नहीं गई, हाले एक गेम बाकी थी। हीरफोन साहब की मोबाइल है लाइट करी तेज दा दिसना के नहीं पहला सेमीफाइनल जो कि फ्रेंड क्लब कमनी और गोल्डन क्लब लुंगरा के दरमियान खेला जा रहा है, जिसके दो सेट फ्रेंड क्लब कमनी ने अपने नाम किए। देखते हैं तीसरा सेट कौन अपने नाम करता है और फाइनल के लिए कौन क्वालिफाई करेगा। दोनों टीमों जोर लगाएंगी, देखते हैं मैच किस मुकाम तक पहुंचेगा। अलमजाद क्लब टुप्पा और किला की टीम साईं वाजिद की टीम दुआ सेमीफाइनल अंपायर गोभी से मैच तो फौरन बाद भी लाइव टेलीकास्ट मैच स्टार्ट करें, क्योंकि इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल भी होगा और फाइनल भी। वालेकुम अस्सलाम बागी भाई, बागी हूँ। ओए आराम करी बेच बे भाई, कश्मीर दी थे हत्या तुम लोग चादर ही नहीं है ना, थड़क छड़ के थी नहीं।
सर दो सेट जीतिया फ्रेंड्स क्लब धमनी, त्रिया सेट जस्ट शुरू हो रहा मोहसिन अरशाद कोई गल नहीं। जी हाँ धमनी ने गोरा भी खेल रहा है जी जी उमर विदा सॉरी सर उमर साई वाजद शायद झंडा ली वाला शायद खलीक पड़ाठना मोटा दातोटेनो बालम की खेली जगह जब एसन सरदार त्री गेम लगी नहीं, दो गेमें फ्रेंड्स क्लब धमनी ने जीत रखी है, तीसरे सेट में 2-0 स्कोर। तायर कदीर क्या मसला सामने दे छुड़ा दो दूस बैठने वाला हूं डंड नहीं पहनी दूस ने लोग ने दिया मैं कौन ने लोग ने दिया दसिया क्लियर हुई जाए अब धमनी ने दो सेट जीत रखे तो अच्छा फरमाए अंजन सलीम काले वाले ने गोल्डन क्लब लुंगरा को कहा है कि अगर वो सेमीफाइनल मैच जीतते हैं तो मैं उसी ग्राउंड में आकर को 5,000 रुपया नगद दूंगा। तो अगर आप ये जो खिड़की पे चढ़ रहे हैं इनको गुजारिश है कि एहतियात से चढ़े, एक खिड़की गिरी है टूटी है और बंदा भी जख्मी हुआ है। ऊंचा करा सही हुई Thank you.
स्कोर बोर्ड नहीं नजर आ रहा, शायद नेट में प्रॉब्लम था जनाब।